कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस बात के लिए कि आप भी मेरी तरह ही उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको सिक्योर लाइफ बिजनेस समझ में आया है। सिक्योर लाइफ एक हिंदुस्तान का एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आम आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है, और वो बिजनेस आपको समझ में आया है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप में से बैठा हुआ हर शख्स अपनी जिंदगी इस बिजनेस के माध्यम से बदल सकता है। तकरीबन 4,500 से 5,000 लोग हर हफ्ते मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, और लोग बोलते हैं कि लोग जुड़ते नहीं। मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। उस समय प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन मेरी अपलाइन ने बोला अगर आपके पास कोई मौका है, कोई रास्ता है जहां से जिंदगी बदल सकते हो तो जरूर करना, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम नहीं है। इस बिजनेस में पावर कितनी है, और पावर की तो आपको भी जानकारी नहीं है। इस बिजनेस में पावर कितनी है, इस बिजनेस की वजह से लोग डायमंड बने हैं, इसी रास्ते से डायमंड बने हैं। अगर कुछ दिन इस प्रोसेस से होकर आप गुजरते हो तो आप डायमंड जरूर बनोगे, लेकिन आपको वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। माधव जी, मेरे को घर में समझ में नहीं आई, मैं घर पे गया, पूरी रात समझा, देखा और विचार किया, और मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन ले लिया गलती से। और दोस्तों, वो गलती से लिया हुआ डिसीजन इस बिजनेस में, जहां मुझे संशय था कि मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, इस बिजनेस की वजह से 3 दर्जन डायमंड मेरी टीम में है। लोग डायमंड बनने के लिए काम करते हैं। इस बिजनेस में मैंने काम करना शुरू किया अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मेरे दिमाग में कोई समाज सेवा का ठेका नहीं था, मैं किसी की जिंदगी बदलने के लिए काम नहीं किया। इस बिजनेस को मैंने पैसा कमाने के लिए काम किया, अपने सपने पूरे करने के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन ये बिजनेस की खूबी है, आप डायमंड बनोगे तो आपके नीचे रूबी बनेगा ही बनेगा, आप गोल्ड बनोगे तो आपकी टीम में सिल्वर आएंगे ही आएंगे, आप 5 लाख कमाओगे तो आपकी टीम में 2.5 लाख लोग कमाएंगे। मैंने डायमंड बनना शुरू किया, मेरी टीम में डायमंड बने, रूबी बने, एमराल्ड बने। इस बिजनेस की वजह से जितनी महंगी कार में मैं नहीं चलता, मेरी टीम के लोग आज 40 से 50 लाख की टीम के लाख की कीमत की कारों में घूम रहे हैं। आज कल ही एक ऑडी कार हमने परचेज की है। ये बिजनेस की पावर है। सुना था कि स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है, लेकिन सिक्योर लाइफ करने के बाद पता चला है मेरे दोस्त मुझे भी कि स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। ट्रेन में जनरल के डिब्बे में घुस जाते हैं ना तो नरक हो जाता है, उधरी नरक दिखाई दे जाता है, और एसी फर्स्ट में ट्रेवल कर रहे होते हो तो स्वर्ग से कम नहीं होता है, उसी समय पता चल जाता है। दोस्तों, यहीं पर एक दुनिया ऐसी है, आगरा में ही रहता हूं, लेकिन आगरा में जब 5 स्टार होटल में जब दरवाजे से होकर गुजरते हैं ना तो पता चलता है कि आगरा में भी स्वर्ग है और आगरा में भी नरक है। इस बिजनेस को करने के बाद पता चला है। इस बिजनेस में काम करते हुए दोस्तों, जहां पर मैंने अपनी अपलाइन को हमेशा सुना, सलमान खान की कोई पिक्चर पूरी नहीं होती जब तक वो शर्ट नहीं उतार लेता, और मेरा अपलाइन नरसिंह ग्रेवाल जी का लेक्चर कभी भी पूरा नहीं होता जब तक वो अपना 2 लाख का चेक नहीं दिखा लेते। तो मेरे को सलमान खान तो बनना नहीं था, तो मेरे को उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, मेरे को डायमंड बनना था। मैंने अपनी अपलाइन को कॉपी किया, और दोस्तों मेरी अपलाइन 8 लाख कमाते हैं, उसके अपलाइन 8 लाख कमाते हैं, उनके अपलाइन 8 लाख कमाते हैं। आज मैं इस बिजनेस से 8 लाख कमाता हूं, लेकिन मैं अकेला 8 लाख नहीं कमाता, मेरी टीम के लोग भी इस बिजनेस में 8 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से जसवीर सिंह जी को आपने अभी सुना है। मोटी कैलकुलेशन के लिए 24,000 रुपए डेली होते हैं, और 24 घंटे में 24,000, अगर 6 घंटे सोए तो आपके खाते में 6,000 रुपए जमा हो चुके होते हैं, सोने सोने में। दुनिया जाती है पिक्चर देखने के लिए, 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तो पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन जिस दिन पिक्चर देखने का मूड होता है 3 घंटे की पिक्चर के 3,000 रुपए कमा के लाते हैं। दोस्त, ये बिजनेस है, आप खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, नहाएंगे, हर वक्त पैसा आपके अकाउंट में आता है। 5,000 लोग हर हफ्ते इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, किसी को ज्वाइन हम नहीं कराते, लेकिन वो दिन भी था कि कोई भी ज्वाइन नहीं करता था, लेकिन हम ही ज्वाइन कराने के लिए कोशिश भागते थे। इस बिजनेस में मैंने कोई अलग से कुछ नहीं किया, मुझे मेरी अपलाइन ने बताया 8 स्टेप, और उन 8 स्टेप में उन्होंने बताया पहले 4 स्टेप माधव जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ड्रीम लिस्ट इनविटेशन शो द प्लान। उन्होंने मुझे बताया कि ड्रीम आप सेट करो, आपको क्या करना है, ये ड्रीम ही आपको एनर्जी देंगे, आपका जो रीजन तलाशो आप इस बिजनेस को क्यों करना है। अगर मैंने बोला कि आप डायमंड बन जाओगे तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, किसी मीटिंग में आओगे, ट्रेनिंग अटेंड करके जाओगे, 2 घंटे का मोटिवेशन रहेगा, 2 घंटे के बाद कोई बोलेगा आपका मोटिवेशन उतर जाएगा। परमानेंट मोटिवेशन चाहिए,
परमानेंट एनर्जी चाहिए, और परमानेंट मोटिवेशन, परमानेंट एनर्जी कहीं से मिल सकती है तो आपके रीजन से मिल सकती है। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, क्या कारण है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए हो, क्यों करना चाहते हो? सिर्फ दाल रोटी की वजह से आए हो, सिर्फ 5-7 हजार कमाने के लिए आए हो, कोई भी मोटिवेशन आपको मिलेगा नहीं। और अपलाइन आपको मोटिवेशन दे देके अपलाइन डीमोटिवेट हो जाएगी, लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर कोई रीजन है तो आपका ड्रीम, आपका रीजन, आपका वाई आपको इस बिजनेस में एनर्जी देगा, वही आपको ताकत देगा, वही लोगों से आपको मार्केट में नो झेलने की ताकत देगा, और वही आपको डायमंड शिप तक पहुंचाएगा। मैंने तलाशा अपना वो रीजन कि मुझे इस बिजनेस में क्यों काम करना है, मुझे पता चला कि इस बिजनेस में क्यों काम करना है। मुझे हंसी आती है, आज मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिया और मैंने सपना देखा कि मैं होटल में जाकर नौकरी करूंगा। 3-स्टार होटल में भी मुझे घुसने नहीं दिया, समझ में नहीं आया। वहां पे मैं सोच रहा था बहुत बढ़िया शानदार ऑफिस मिलेगा, लेकिन वहां जाके हकीकत से पाला पड़ा, मैं वापस घर भाग आया। लेकिन आज बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है कि आज 5-स्टार होटल में जाता हूं, उसका सबसे शानदार रूम मिलता है और सारा पूरा स्टाफ सैल्यूट मारता है, आइए सर वेलकम, सर आइए, सर वेलकम, सर आइए, सर वेलकम, सर। किसकी वजह से हो पाया? मेरे वो मैनेजमेंट के डिप्लोमा की वजह से, या सिक्योर लाइफ में 3-4 साल काम कर लिया उसकी वजह से? दोस्तों, ये सिक्योर लाइफ का 3-4 साल का डिप्लोमा दुनिया की सारी डिग्रियों पर भारी पड़ सकता है। ढेर सारे एग्जांपल हमारे सामने मौजूद हैं। अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या तैयार हैं आप लोग? उसको ये समझाने की जरूरत है, और ये समझाने के ही कंपनी हमको पैसे देती है कि उसको इस बिजनेस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन हम उल्टा समझ के आ जाते हैं। अगर उसको समझा पाए तो इस बिजनेस में आप डायमंड जरूर बन पाओगे। इस बिजनेस में मैंने भी मना किया था, लेकिन कोई ऐसा शख्स था जिसने मुझे समझा दिया कि माधव सिंह, इस बिजनेस की सबसे ज्यादा आवश्यकता आप ही को है। और मेरे दिमाग में यहां पर समझ में आ गई बात, जब जिस दिन यहां पर समझ में आई ना, उस दिन अकेले ने 1.5 लाख को समझा दिया किसी और। उस दिन के बाद मेरे अपलायन को किसी और को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ मुझे अकेले को समझा दिया, 1.5 लाख समझ गए। क्या ये 1.5 लाख पर कारवां रुकेगा? ये 15 लाख भी होगा कि नहीं होगा? 30 लाख भी होगा? 50 लाख भी होगा? और 1 करोड़ भी होगा? और उस जब 1 करोड़ की टीम होगी तो आप में से ढेर सारे लोग बैठे होंगे और बोल रहे होंगे, सर मेरे नीचे 1.5 लाख की टीम है। आप में से टीम आपकी 1.5 लाख की टीम होगी, भरोसा तो करो, आप भरोसा तो करो। कोई व्यक्ति बोल देता है कि भैया इस दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नाम की कोई चीज नहीं है, हम लड़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया नाम की चीज है, 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 है। ऑस्ट्रेलिया देखा नहीं है, फिर भी हम ऑस्ट्रेलिया पर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने अपनी आंखों से डायमंड को बनते देखा है, डायमंड को बोलते देखा है, डायमंड से आंख मिलाई है, डायमंड से हाथ मिलाया है, उसके बावजूद भी कोई बोलता है कि डायमंड बनते नहीं है और हमारी हवा निकल जाती है। हम क्यों नहीं बोलते कि डायमंड मैंने अपनी आंखों से देखा है, डायमंड बनते हुए देखा है, 8 लाख अपनी आंखों से देखे हैं, 1 हजार का चेक मेरा खुद का आया है। जब 1 हजार का चेक मेरा आ सकता है क्योंकि 1 हजार का काम किया है मैंने, और जिसने 10 हजार का काम किया है उसका 10 हजार का चेक आता है, जो 2 लाख का काम करेगा उसका 2 लाख का चेक भी आता है। मेरे दोस्त, काम करने की जरूरत है, और जिसको भरोसा नहीं है उसको बोलो काम करके दिखाओ, गारंटी मैं देता हूं, स्टाम्प पेपर लेकर के आओ, 2 लाख का काम करोगे 2 लाख भी आएगा, आएगा 2 लाख भी। अगर ये नहीं तो फिर क्या, ये बिजनेस नहीं तो फिर क्या? लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार, ये बिजनेस के जो लीडर्स होते हैं ना, पूरे जादूगर की तरह होते हैं। इनकी मीटिंग में चले जाओ, बस ऐसे दिल करता है जेब में से निकाल के दे ही दो पैसे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बस बस जेब में हो तो रोक नहीं पाओगे, तो निकाल के दे ही दो। यही तो असली राज है, हम भी यही कहते हैं, यही असली राज है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये कहने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है, यू कैन नॉट डू इट, इम्पॉसिबल। और ये एक रीजन है कि आज तक अगर वो जिस दिन हनुमान जी को अगर जामवंत जी भी बोल देते कि आपके बस की बात नहीं, हनुमान जी इतना बड़ा समुन्द्र कहां से लांग जाओगे, हनुमान जी तो ऑलरेडी बोल ही रहे थे मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा शख्स था, उन्होंने बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, उनको भरोसा नहीं हुआ, फिर बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, फिर भरोसा नहीं हुआ, फिर बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, और उन्होंने अनजाने में उतना बड़ा काम कर डाला
जितने का अंदाजा उनको खुद को भी नहीं था। और ये एक वजह थी, किसी ने मुझे बोला, मुझे भरोसा नहीं था मैं 2 लाख कमा सकता हूं, किसी ने बोला यू कैन डू इट, और उनके यू कैन डू इट करने की वजह से आपके सामने खड़ा हूं, साला 2 लाख रुपए हफ्ते कमाता हूं, 2 लाख रुपए कमा रहा हूं। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ही है ये। और दोस्तों, ये मैंने कहीं नहीं देखा, किसी जगह पर नहीं देखा, सिर्फ सिक्योर लाइफ बिजनेस में देखा है कि यहां पर हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करता है। वो आगे बढ़े या ना बढ़े, उसको मोटिवेट करता है, उसको बताता है कि आप कर सकते हो, आपके बस की बात है। चाहे उसकी उम्र 18 साल की हो, चाहे उसकी उम्र 80 साल की हो, 18 वाले को भी बोलता है आप भी बन सकते हो डायमंड, और 80 साल वाले को बोलता है आप भी बन सकते हो डायमंड। किसी को ये नहीं बोलते कि आप कुछ नहीं कर सकते। और जीवन में सबसे बड़ा पाप यही है कि किसी को ये बोलना कि आपके बस की बात नहीं है। और जीवन में सबसे बड़ा पुण्य भी यही है, किसी को बोलना कि हाँ आपके बस की बात है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और यही एक जगह पर जहां पर बोला जाता है आप कर सकते हो। मुझे एक जगह बताइए, आपके नॉलेज में ऐसा जरूर कोई ना कोई एक आदमी होगा जिसने कोई नौकरी पाने की कोशिश की, कंपटीशन में लड़ने की कोशिश की, और वो जिद्दी टाइप का था, माना नहीं, 2-4 ने बोला रहने दे यार कुछ नहीं होगा, इतने सारे हजारों बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, 13 ही नंबर आ गए क्या, तू IAS बनेगा क्या, PCS बनेगा क्या, नौकरी पाएगा, ग्रेड 1 ऑफिसर बनेगा। लेकिन वो माना नहीं, प्रयास करता रहा और फाइनली जाके सेलेक्ट हो गया, बन गया। ऐसा कोई बंदा आपकी नॉलेज में जरूर होगा, ऐसे है कि नहीं, कोई है? और ऐसा भी आपकी नॉलेज में जरूर होगा जिसने कोशिश की और 2-4 ने उनको बोला कि नहीं यार कुछ नहीं होता, बहुत रेल की रेल भर के जाती है इंटरव्यू देने वालों की, कुछ नहीं हो रहा, कितने बनते हैं, भाग्यशाली लोग बनते हैं, और उसने क्विट कर दिया, कोशिश नहीं की और वो नहीं बन पाया। ऐसा भी आपकी कोई नॉलेज में होगा, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है? है। मतलब क्या है इसका, कि जो लोग डायमंड नहीं बन पाए, जो लोग सफल नहीं हो पाए, उसमें उनकी गलती थी, उनकी गलती थी, उन्होंने काम नहीं किया। और जो लोग बन पाए वो भाग्यशाली नहीं थे, वो कर्मशील थे, उन्होंने कर्म पर भरोसा किया, काम किया, और काम की बदौलत वो लोग डायमंड बन गए। आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है, आपको डायमंड बनना है या नहीं बनना, इट विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। केवल आपको डिसाइड करना है, कि आपको तय करना है कि आप डायमंड बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होने की आवश्यकता है, कोई आपको अपलाई ना के मोटिवेट ना करे, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस को करने के 1000 बहाने हैं मेरे पास, 1000 रीजंस हैं मेरे पास, इस बिजनेस को करने के बहाने हैं मेरे पास कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। और लोगों के पास नहीं करने के रीजन रहते हैं, लेकिन मेरे को आज तक कोई मिला नहीं, कोई भी एक आदमी कि इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहिए, एक कारण नहीं बता पाया, कोई भी एक सिंगल रीजन नहीं बता पाया इस बिजनेस को नहीं करने का। लेकिन करने के 1000 रीजंस मैं बता सकता हूं आपको, मैं बता सकता हूं 1000 कारण जिसकी वजह से इस बिजनेस को किया जा सकता है। हर आदमी इस बिजनेस को करके कामयाब हो सकता है, किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर सफल होने के लिए टैलेंट की जरूरत रहती है, टैलेंट रिक्वायर्ड। सिंगिंग आती है, गला अच्छा है तो ही सिंगर बन सकते हैं, मौका भी चाहिए। अच्छा खेलना जानते हैं आप, स्पोर्ट्समैन है तो ही सेलेक्ट होंगे और तो मौका मिलेगा तो ही सफल हो सकते हैं। अच्छे साइंटिस्ट हैं तो कुछ करके चले जाओ तो ही बन सकते हो आप, टैलेंट रिक्वायर्ड। एक्टिंग आती है तो एक्टर बन सकते हो, लेकिन डायमंड बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना तो एक्टिंग चाहिए। कई लोग सोच रहे एक्टिंग तो चाहिए, क्योंकि जसवीर जी जब स्टेज पे आते हैं उस टाइप की एक्टिंग मैं कर नहीं पाऊंगा। 2 लाख रुपए का रोकड़ा आता है ना तो डायलॉग में भजन अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। और दोस्तों, यही बिजनेस है जहां पर आपको टैलेंट नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई आपका डिग्री नहीं चाहिए, और ना ही कोई आपका IQ टेस्ट किया जाता है। यहां बिजनेस में यह भी नहीं देखा जाता आप कौन सी जाति के, कौन से धर्म के, एक ही चीज देखी जाती है, आप सचमुच में बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। और बनना चाहते हो तो आप अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे और आप डायमंड भी बन सकते हो। बनना चाहते हैं सभी? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए लोगों को परखने की, जांचने की आवश्यकता नहीं है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लिस्ट बनाते हैं बिजनेस को करने के लिए, लिस्ट में छांटिए मत,
एक ये छोटी जाति का है बड़ी जाति का है, ये कम सैलरी वाला के ज्यादा सैलरी वाला है, ये कम पढ़ा लिखा के ज्यादा पढ़ा लिखा, ये कम उम्र का के ज्यादा उम्र का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अभी परसों पटना में था, पटना में मैं गया स्टेज पर, मैं देखा एक छोटा सा लड़का आया, मेरे को लगा ये 12-13 साल का ही होगा, स्टेज पर आया, उसने बोला मैं जस्ट अभी अभी हुआ हूं। मैं चलो ठीक है 18 का तो हो गया ये कम से कम, तो मुश्किल से 4 फुट का ही था। तो मैं बोला हाँ जी, बोला मेरे को इस बिजनेस में करने में बड़ी तकलीफ आई। मैंने बोला क्या तकलीफ आई? उन्होंने बोला कि मैं जब भी प्लान दिखाने के लिए जाता सारे लोगों के पास एक ही डायलॉग, तू अभी बच्चा है, तू अभी बच्चा है। और मैं सुन सुन के पक गया, साला तू भी बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, साला बच्चा ही बना रहूंगा क्या मैं अभी तक? 18 साल का हो गया, मैं बच्चा ही हूं। तो मैंने एक काम किया, मैंने अपने 75 साल के दादाजी को ज्वाइन करा दिया इस बिजनेस में, और 75 साल के दादाजी को ज्वाइन कराया और दादाजी को बोला कि दादाजी एक ही काम करना है आपको, सवेरे दूध लस्सी जो पीना है पी लो और मेरे संग मोटरसाइकिल पर बैठना है बस पीछे। और मैं उन सबके पास गया जिन्होंने बोला बच्चा है, हाँ भाई ये प्लान है, अब बता तेरे को बच्चा चाहिए कि बूढ़ा चाहिए? दोनों प्रोडक्ट से हम तैयार हैं, बूढ़ा भी है और बच्चा भी है। अरे बच्चा है, लोग बोलते बच्चा है, अरे बूढ़ा होता तो क्या तू ज्वाइन कर लेता? बच्चा होने से या बच्चा नहीं होने से सिक्योर लाइफ का क्या तालमेल, मेरे को समझ में नहीं आता। तो उनको डाउट था कि मैं ये बच्चा है और ये छोटू सा अपलाइन मेरा रहेगा तो ये मेरे